हेलो फैमिली, कैसे हो? स्वागत है पॉकेट ट्रेनर के एक नए वीडियो में। तो गाइस, आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है, देखो, जो मेगा पोकेमॉन होता है, मतलब मेगा स्टोन से जब हम कोई भी पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व करते हैं तब वो पोकेमॉन 7 से 7.5 घंटे के लिए मेगा एवोल्यूशन में रहता है। उसके बाद वो नॉर्मल पोकेमॉन में बदल जाता है। मतलब जो पोकेमॉन, जैसे मान लो कि पिजियोटो, तो वो मेगा बनने के बाद वो फिर से नॉर्मल पिजियोटो बन जाता है 7 से 7.5 घंटा कंप्लीट होने के बाद। लेकिन आज मैं आपको एक ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आपका कोई भी मेगा पोकेमॉन आपके पास परमानेंट मेगा होके रहेगा, ठीक है? अगर वो ट्रिक्स आपको जानना है तो वीडियो को देखते रहो, डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? और गाइज देखो, अभी चल रहा है होएंटियोर। तो गाइज यहाँ पर हमें जो मिल रहा है वो है प्राइमल ग्राउडॉन और प्राइमल कायोग्रे, एंड उसके साथ साथ हमें मिल रहा है डिऑक्सिस, ठीक है? तो गाइज अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि प्राइमल कायोग्रे, ग्राउडॉन, डिऑक्सिस या जो भी पोकेमॉन अभी इवेंट में आ रहा है वो मुझे कितना मिला है और शाइनी मुझे कितना मिला है, ठीक है? वो मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो गाइज आप लोग देखो, कायोग्रे मेरे पास है 2, ठीक है? 2 कायोग्रे मिला है। और ग्राउडॉन मैं आपको दिखाता हूँ, ग्राउडॉन टोटल मिला है 3, देख सकते हो, 1 2 3 ग्राउडॉन मुझे मिला है। और गाइज जो लैटियोस, पहले देख लो डिऑक्सिस, वो सिर्फ मेरे पास 1 है, और लैटियोस भी मेरे पास 1 है, और पहले से 1 मेरे पास शेडो लैटियोस था। तो गाइज फिलहाल के लिए इतना ही मुझे मिला है। लेकिन गाइज जो मेरा सब्सक्राइबर्स है, मतलब इंस्टाग्राम में जो मेरा ग्रुप है वहां पर जो बंदे हैं उन लोगों ने बहुत सारा शाइनी कैच किया है। तो आप लोग देख लो, पिक्चर में देखो गाइज, ये जो देख रहे हो पिक्चर में, ये कैच किया है, उसका नाम है इट्स जेयान करके एक बंदा है, उसके पास ये सब शाइनी पोकेमॉन्स है गाइज, उन्होंने कैच किया है। और गाइज और भी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये देख सकते हो, ये अक्षय एसपी करके एक बंदा है, उन्होंने ये पोकेमॉन को कैच किया है, ठीक है? तो गाइज मेरे लिए तो यही बहुत खुशी की बात है कि मेरा जो सब्सक्राइबर्स है उन्होंने इतना सारा पोकेमॉन्स को कैच किया है। मुझे शाइनी नहीं चाहिए, आप लोगों को मिला है उससे मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास भी शाइनी हो चुका है। तो गाइज अगर आप भी चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन हो जाओ ग्रुप में, मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है? डीएम कर देना, ज्वाइन कर दूंगा। तो गाइज चलो अभी फिलहाल के लिए शुरू करते वीडियो, और वीडियो में लाइक करना मत भूलना, 100 लाइक ये वीडियो में आपको कंप्लीट करना है। तो चलो गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व करके, और वो पोकेमॉन है गैंगर, जिसको मैं अभी मेगा इवॉल्व करने वाला हूँ। तो गाइज देखो, मेगा इवॉल्व करने के लिए हमें चाहिए गैंगर मेगा एनर्जी, या जो भी पोकेमॉन है उसका मेगा एनर्जी चाहिए। और ये जो स्टोन है ये हमें कहाँ से मिलता है? मेगा रेड करने के बाद हमें ये स्टोन मिलता है। तो आपको मेगा रेड जरूर करना है अगर आप कोई भी पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व करना चाहते हो। तो गाइज चलो अभी इसको मेगा इवॉल्व करते हैं, तो जल्दी से मेगा इवॉल्व कर लेते हैं। आप लोग भी देखो जो मेगा इवॉल्व हो रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है जब भी कोई पोकेमॉन मेगा एवोल्यूशन में, मतलब इवॉल्व होता है। तो आप लोग देख सकते हो ये बन चुका है अभी मेरा जो मेगा गैंगर। अभी मैं आपको फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, कि आप कैसे उसको परमानेंट रख सकते हो, आपको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए आप देख लो, एक बार वीडियो देख लो, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, आप ये वीडियो से समझ जाओगे, ठीक है? तो गाइज देखो सिंपल क्या है, देखो एक पोकेमॉन जब मेगा इवॉल्व होता है तो वो 7 से 7.5 घंटे के लिए जो होता है मेगा इवोल्यूशन में रहता है, उसके बाद वो नॉर्मल बन जाता है। लेकिन गाइज पहले देखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ अच्छे से। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो मतलब 8 घंटे के लिए, लगभग 8 घंटे के लिए ये मेगा इवॉल्व रहता है। अभी गाइज एक चीज देखो, जब आप फर्स्ट टाइम किसी भी पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व करोगे तो उसका जो लेवल होगा वो होगा बेस लेवल, आप देख सकते हो। और बेस लेवल में क्या होता है, फर्स्ट दिन में जब आप इवॉल्व करोगे वो बेस लेवल में इवॉल्व हो जाएगा, उसमें आपको ये जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन में, ये आपको बेनिफिट्स मिलेगा, लाइक जैसे बूस्टेड एली अटैक्स, ठीक है, रिड्यूस द मेगा एनर्जी इवॉल्व करने के लिए जो स्टोन चाहिए वो भी रिड्यूस हो जाएगा, और 7 दिन के लिए मेगा एवोल्यूशन रेस्ट पीरियड भी आपको मिलेगा, और कैच कैंडी बोनस भी मिलेगा, मतलब कोई भी पोकेमॉन को आप कैच करोगे कैंडी बोनस मिलेगा। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, रुको, और गाइज एक चीज मैं आपको बताता हूँ, रुको, इसमें भी एक चीज बताता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया था कि एक्सेल कैंडी कैसे मिल सकता है, तो गाइज आप लोग अभी देखो, जो हाई लेवल, मतलब उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है उसमें क्या होता है, देखो मेगा इवॉल्व करने के बाद, मतलब आप जब 6 टाइम टोटल मेगा इवॉल्व कर लोगे कोई भी पोकेमॉन को, वो हाई लेवल में पहुंच जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या बोनस देखो, जैसे ये तो सेम, सब में ये सेम होता है, कैच कैंडी बोनस और ये,
तो यहाँ पर देखो 5 डे मेगा एवोल्यूशन रेस प्योर मिलता है जहाँ पर 7 डे था, और यहाँ पर देखो एक्सेल कैंडी भी आपको मिलेगा, और जो आपका जो मेगा एनर्जी का जो कॉस्ट था वो भी रिड्यूस हो जाएगा। जैसे 200 स्टोन था पहले लगता था, वहाँ पर 170 हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो लेवल आता है वो है मैक्स लेवल। मैक्स लेवल मतलब टोटल 30 टाइम्स कोई भी पोकेमॉन को इवॉल्व करने के बाद वो मैक्स लेवल में आ जाता है, मतलब मेगा इवॉल्व करने के बाद वो मैक्स लेवल में आ जाता है। और यहाँ पर भी आपको बहुत सारा बोनस मिलता है जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, वो बताने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। जैसे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है 3 डे मेगा एवोल्यूशन रेस्ट पीरियड, मतलब रेस्ट पीरियड जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। मतलब एक बार मेगा इवॉल्व करने के बाद जब आप नेक्स्ट मेगा इवॉल्व करते हो उसमें जो रेस्ट पीरियड रहता है वो बहुत ही कम हो जाता है। अभी गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ वो ट्रिक्स। ट्रिक्स क्या है गाइज, आप लोग देखो आपको सिंपली क्या करना है, पहले ना आपका जो बॉडी है, आपका जो बॉडी है उसको चेंज करना है। जैसे मेरा जो बॉडी है वो है ईवी, अभी मैं ईवी को चेंज करने वाला हूँ, मतलब स्वैप करने वाला हूँ, और मुझे लाना है जो भी पोकेमॉन आपने मेगा इवॉल्व किया है उस पोकेमॉन को आपको पहले बडी बनाना है, ठीक है। देखो मेरा बडी बन चुका है मेगा गैंगर। अभी देखो आप जब नीचे स्क्रोल करोगे इधर क्या है, 3 किलोमीटर वॉक करने के बाद आपको टोटल 45 मतलब 1 किलोमीटर में 15 करके आपको मेगा एनर्जी मिलेगा, मतलब 3 किलोमीटर में आपको टोटल 45 मेगा एनर्जी मिलेगा। तो अगर आपने लगभग दिन में लाइक मैं कितना बताऊँ 15 टू 20 किलोमीटर वॉक कर लिया गेम में, तो आप समझ लो कि एक दिन में आपको 200 से ज़्यादा ही मेगा एनर्जी मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अभी देखो इसका मतलब यही है कि हर रोज़ अगर आपको 200 करके मेगा एनर्जी मिल रहा है तो आप हर रोज़ अपने जो मेगा पोकेमॉन है उसको मेगा इवॉल्व करके रख सकते हो। ये लगभग परमानेंट के ही समान होता है, इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि आप इसको डेली मेगा इवॉल्व कर रहे हो, तो ये पोकेमॉन आपके पास डेली मेगा इवॉल्व ही रहेगा। तो सिर्फ आपको क्या करना है, इसको बडी बनाना है और इसके साथ वॉक करना है, तो आपको खुद ब खुद मेगा एनर्जी मिलता जाएगा और ये पोकेमॉन भी आपके पास परमानेंट मेगा एवोल्यूशन में रह जाएगा, ठीक है। और जितना आप इसका लेवल को अपग्रेड करोगे, जो मैंने पहले आपको लेवल दिखाया है, जितना लेवल अपग्रेड करोगे वहाँ पर आपका जो मेगा एनर्जी का कॉस्ट है इवॉल्व करने के लिए वो भी कम होता जाएगा। तो सिंपल है कि आप डेली प्ले करो, मेगा इवॉल्व करने के बाद डेली उस पोकेमॉन के साथ बडी बना के प्ले करो, तो वो पोकेमॉन डेली आपके पास मेगा इवॉल्व होके ही रहेगा, तो ये परमानेंट ही है। तो गाइज यही था वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो में लाइक और चैनल में सब्सक्राइब। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।